तो दोस्तों देख सकते हैं ये 200 से 100 हो गया। अभी क्या करेंगे हम 300 से 200 को एक रिड्यूसर बनाएंगे। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं हमने ऐसे जस्ट एक लाइन लगा लिया। लाइन लगाने के बाद इसका एक सेंटर का मार्किंग कर लिया। ओके, और यहाँ पर देख सकते हैं और एक लाइन लगाया हमने कुछ मेजरमेंट 100 mm करके। और अगर तीसरा मार्किंग का किया जा रहा है जो कि यहाँ से 200 का किया जा रहा है, ठीक उसी तरह ये साइड पे भी इसको उठा लिया जाएगा। उठा लेने के बाद फिर आपको साइड को उठा लेना है, वो साइड को ये साइड को उठा लेना है। ओके, उठाने के बाद अभी बारी आता है ऊपर को भी इसको उठा लिया जाए। नहीं, बावनर करे डेढ़ सौ रख इतना बावनर कर दे। तो यहाँ पर देख सकते फ्रेंड्स हमने क्या किया, 100 mm से 2 mm करके काम किया जो कि वो बैंड जैसा थोड़ा चौड़ा हो गया। ये ऐसा नहीं होगा, वो साइड भी करो, ये 48 में करो, 48 48 हेड था
तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये होता है 100, 200 और 5 mm, वो 205 mm हो रहा है, जो कि हम 205 mm इधर ले लेंगे। इस पहला कर लो 205 में 100। राइट एंगल कर, ऊपर उठ टाँका मारे अच्छे सीधा करके ड्राइवर मन बंद कर
ऊपर आएगा पुश करके ने हवा हवा ऊपर पुश करना हवा मारे मारे तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मैंने इसको अंदाज से ले लिया है, जैसे कि यहाँ पर 120 mm के आसपास है और ये 50 mm है, और यहाँ पर क्या किया गया पूरे मेजरमेंट के साथ किया गया है, ये 200x50 को साइड किया गया। ओके, ये साइड 50 mm, ये साइड 50 mm, लेकिन ऐसा लेंथ में ये 200 होता है। ओके, और ये 300 से 200 को, 200 से 100 को हमने इस वीडियो में आपको रिड्यूसर बना के दिखाया। और अगर आपको ये वीडियो और ये काम अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करना, क्योंकि लाइक से हमको जो कि मोटिवेशन मिलता है दूसरा वीडियो बनाने के लिए फ्रेंड्स। तो अगर आपका मन में कोई सवाल या सुलझा है आप कमेंट से लिख सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आप हमारा चैनल में नया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए। फिर मिलेंगे और एक ऐसे नए टेक्निक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा लेना चाहते हैं हम। नमस्कार।